आपने पानी को नहीं छोड़ा, दारू को भी नहीं छोड़ा, तो आप ऐसा करोगे काम तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा साहब। पानी का काम पिताजी करे, दारू का काम बेटी जी ने किया है, तो हमको क्या लेना देना है? ईड को पता चल गया, आईटी को पता चल गया, जो उनको सजा देना है वो दे रहे हैं। अब किस प्रकार से इसको ड्रामा कह सकते हैं? अरे नुकसान तो हमारा हुआ है, धर्म के रास्ते पे चलकर भाजपा को नुकसान हुआ है। 2023 में जब कविता का अरेस्ट नहीं हुआ है, इसी मुद्दे को लेकर सबने क्या ताना मारी है कि हमारा भाजपा का हाथ था, हालांकि हमारा हाथ था ही नहीं उसमें। इस देश में जब जब जिस जिसने प्रजा का पैसा खाकर अगर गलत काम करते हैं, आज ना कल धर्म अपना जवाब देकर ही रहेगा। इस गलती करने वाले चाहे स्त्री हो या पुरुष, यहाँ पे न्याय मिलने के लिए या गलती को बाहर निकालने के लिए या उनको सख्त से सख्त पनिशमेंट देने के लिए कोई जेंडर बयास नहीं, यानी औरत और पुरुष में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर जब स्त्री आगे बढ़कर हर मायने में अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन बनना चाहती है, तो स्त्री का धर्म बनता है कि वो न्याय से धर्म करे, पालन करे। अगर आप इसको छोड़कर आप इस प्रकार के स्कैम्स करते रहोगे तो तब तो आपको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो सज़ा थोड़ी देखती है पुरुष है स्त्री है। बीआरएस पार्टी इसको इलीगल कह रही है क्योंकि मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी अरेस्ट किया गया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ पर है और उनका रोड शो चल रहा है, उसी दौरान मेमरसी कविता को अरेस्ट किया गया है, इसको इलीगल बताया गया। सर मैं एक बात बताती हूँ आपको, जहाँ उन्होंने आज तक ओल्ड सिटी में, मैं मुद्दा यहाँ तक लेके आती हूँ, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में आपने फ्लाईओवर्स नहीं डाली है, तो ये गलत काम नहीं है, गलत काम नहीं, आपने गलत काम नहीं किया है। आपने तो एक के पीछे एक के पीछे एक गलत काम किया है। आपने जब वो डैम बनाया है पूरे टूट रहा है वो, ये गलत काम नहीं है। जब आप गलत काम करोगे, आपने पानी को नहीं छोड़ा, दारू को भी नहीं छोड़ा, तो आप ऐसा करोगे काम तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा साहब, तो भुगत रहे। पानी का काम पिताजी करे, दारू का काम बेटी जी ने किया है, तो हमको क्या लेना देना है? ईड को पता चल गया, आईटी को पता चल गया, जो उनको सजा देना है वो दे रहे हैं। अभी तोड़ी कोई ये देख के आएगा आपके घर कि आपने क्या उनको कोई काम दाम नहीं है, ईडी को और आईटी को? क्या इतना आसान है ये बात? कोई कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर सकता है किसी के ऊपर इतना बड़ा मुद्दा लेकर? इतना आसान है क्या? प्रजा सवाल नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं? ये सब प्रूव हो चुके हैं, इसीलिए इतना वक्त लगा उनको कि सही मायने में सारे पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन करे, और जब सारा मिल गया उनको प्रूफ, वो लोग अरेस्ट कर लिए। बस कांग्रेस पार्टी ये कह रहा है कि ये टाइमिंग के बारे में वो लोग कह रहे हैं कि ये एक ड्रामा है, बीआरएस पार्टी और बीजेपी के बीच में ये एक ड्रामा है, ये भी उनका स्टेटमेंट है, क्या कहना? तो उस वो ड्रामा से कांग्रेस को क्या लेना देना है? अभी दूसरी बात कहती हूँ, आप किस प्रकार से इसको ड्रामा कह सकते हैं? अरे नुकसान तो हमारा हुआ है, धर्म के रास्ते पे चलकर भाजपा को नुकसान हुआ है। 2023 में जब कविता का अरेस्ट नहीं हुआ है, इसी मुद्दे को लेकर सबने क्या ताना मारी है कि हमारा भाजपा का हाथ था, हालांकि हमारा हाथ था ही नहीं उसमें, क्योंकि ये जो काम ईडी और आईटी कर रहे हैं ये अलग डिपार्टमेंट है जिसमें किसी का दखलंदाजी का कोई लेना देना नहीं होता है। जो हमने नहीं किया है उसका ये लोग बात को बतंगड़ बने हैं। अभी उसी बात को जब आईटी वाले और ईडी वाले आकर उनका अरेस्ट करते हैं, फिर से ये लोग बोलेंगे कि ये भाजपा मिला हुआ है यहाँ पर। अरे यार कुछ तो सही बात करो, दुनिया देख रहा है आपको, दुनिया सुन रहा है आपके हर बात को। ऐसा काम करेंगे आप, विजय माल्या को भी कहाँ छोड़ा है इस दुनिया ने? इस देश में जब जब जिस जिसने प्रजा का पैसा खाकर अगर गलत काम करते हैं, गलत रास्ते लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रजा का मिलने वाला धन आप गलत तरीके से कमाने की कोशिश करोगे, आज ना कल धर्म अपना जवाब देकर ही रहेगा। बीआरएस पार्टी ने स्टेट में बंद का कॉल दिया है, कल पूरा स्टेट में वो लोग बंद कर देंगे, प्रोटेस्ट करने का। अरे साहब
बीआरएस के अधिनेता केसीआर साहब के बेटे स्वयं केटीआर साहब ने कहा है हमारा कार गैराज में चले गया है, तो गैराज से क्या कार ठीक हो गई क्या? जो धरना करने निकले हैं इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि इतने सारे गलतियां कर चुके हैं कि जीवन भर वो कार गैराज में ही पड़े रहेगी और कभी रिपेयर नहीं होगी। है